Asane! Please, sir. एक टॉपिक है जो आज से पहले मैंने कभी भी टच नहीं किया है और उसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन भी है लोगों के माइंड में और इंटरेस्टिंग भी है इस टाइम पे, ये काफी रेलेवेंट भी है आप लोगों के लिए जो एज ग्रुप है यहाँ पर. दैट इज व्हाट इज सेल्फ लव. कैसा लग रहा है टॉपिक सुनने में? इसको शुरू कैसे करेंगे? पहले आप लोग अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर करेंगे कि आपके हिसाब से सेल्फ लव का मतलब क्या. पीछे से उनको देना माइक जरा. सर, सेल्फ लव मतलब जो खुद से प्यार करता है, और जो खुद से प्यार करता है वो कभी भी अपने लिए गलत नहीं कर सकता. तो जैसे इस एज में जो लोग अफेक्ट होते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में चले जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये वगैरह करते हैं, जो खुद से प्यार करता है और जिसको पता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, अपनी सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए आप कहते हो प्रैक्टिकल एक्शंस लेने पड़ेंगे, और एक्शंस लेने हैं तो गलत चीज़ों से दूर रहना होगा. तो जो खुद से प्यार करता है वो भी गलत एक्शंस नहीं लेगा, वो गलत ट्रैक पर नहीं जाएगा. तो जब हमें खुद से प्यार हो गया तो हम उसी ट्रैक पे जाएंगे फोकस्ड, कि हमें अगर कुछ करना है जिंदगी में तो वही चीज करनी है. इसलिए एक्सेलेंट पॉइंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम. सेल्फ लव की जो सही डेफिनेशन है या जो सही अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ लव का मतलब हम क्या समझते हैं? फ्रीडम, आजादी, कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर सकूं. दैट मीन्स आई एम इन लव विद माई सेल्फ. मैं अपनी मर्जी से जी सकूं, मैं अपने हिसाब से चल सकूं. ये दुनिया क्या होती है मेरे को चलाने वाली, वो क्या होते हैं मुझे बताने वाले हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना. तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मेरी तरफ उंगली करके, है ना, करते होंगे कुछ लोग स्क्रीन पे. तू कौन बता रहा है मुझे क्यों बता रहा है? मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैं सब सही कर रहा हूँ. हमारे पेरेंट्स लोग करते हैं. पेरेंट्स जब करते हैं तो गुस्सा आता है ना. जो पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्या, ये पूरे दिन मोबाइल पे लगे रहते, गुस्सा आता है. आपकी वीडियो दिखाते हैं ना तो तुरंत एंटी हो जाते हैं, वो पता नहीं क्यों. अच्छा, एंटी हो जाते हैं? यस सर, अपनी मम्मी को जैसे मैं कभी दिखाता हूँ ना, अच्छा, आपकी वीडियोस की देखिए ऐसे है, तो कहती है कि क्या देखते रहता है ये. ठीक है, तो मेरी वीडियोस मत देखो, कुछ ऐसा देखो जो अपनी मम्मी को नहीं दिखा सकते. समझ गए ना इशारे में? हाँ. तो सेल्फ लव की डेफिनेशन जो हम समझते हैं वो सही डेफिनेशन नहीं है, वो गलत डेफिनेशन है. कि मैं वो करूं जो मेरा मन करता है, अपने मन के हिसाब से चलूं, ये सेल्फ लव नहीं है. क्योंकि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. माइंड के लेवल पे आप चाहते कुछ और हो, या ये कह लो अपने लिए आप चाहते कुछ और हो, बनना कुछ और चाहते हो, लेकिन आपके एक्शंस किसी और ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं. कौन भगा रहा है उन एक्शंस को उस डायरेक्शन में? आपका मन. तो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तो आपका एंड गोल है आपकी बॉडी और आपका माइंड, तो यू आर इन लव विद योरसेल्फ. बट अगर आप इसको यूज कर रहे हो, अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो प्लेजर्स के लिए, तो यू आर नॉट इन सेल्फ लव, यू आर नॉट इन लव विद योरसेल्फ. बिल्कुल इस तरीके से जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर उसको यूज कर रहे हो कुछ और अचीव करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस इंसान को प्यार नहीं करते. सही है गलत है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आज की डेट में भी डाउरी बहुत चलती है, ऑल्दो इट इज लीगली बैंड, बट चलती है. नहीं चलती है. तो अगर वो लड़का पैसा चाहता है, तो क्या वो उस लड़की को प्यार करता है? वो किसको प्यार करता है? पैसे को. तो उस लड़की को यूज कर रहा है, शादी को यूज कर रहा है पैसे तक पहुंचने के लिए, तो इसको प्यार नहीं कह सकते ना. फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग बड़े अच्छे से समझ पाओगे इस एज ग्रुप में, अगर आपके पेरेंट्स हैं वो आपको यूज कर रहे हैं अपना कोई ड्रीम पूरा करने के लिए, जो आपकी कैपेबिलिटी से, आपके इंटरेस्ट से या आपके पैशन से दूर दूर तक मैच नहीं होता है, तो क्या इसको प्यार कहोगे? अगर एक्चुअल में बच्चे से प्यार होगा तो वो क्या करेंगे? उस बच्चे की केयर करेंगे, आराम से समझेंगे कि क्या इस बच्चे का इंटरेस्ट किन चीजों में, इसके अंदर क्या टैलेंट्स हैं, ये क्या करना चाहता है, ये क्या कर सकता है, इसके लिए क्या सही है. समझे, दोनों में फर्क समझ आया? एक है इस बच्चे के लिए क्या सही है, एक है मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए या मेरे नाम के लिए क्या सही है, एक है इस बच्चे के लिए क्या सही है. अगर ऐसे वो सोचे तो अब एंड गोल क्या हो गया? बच्चा. तो इसका मतलब दे आर इन लव विद देयर चाइल्ड. इसका मतलब वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं कि हम तुमसे प्यार, वो एक्चुअल में प्यार करते हैं. दे जेन्युइनली केयर फॉर द अदर पर्सन. तो दिस केयर इज लव. टू डू द राइट थिंग, इफ यू कैन डू द राइट थिंग, दैट इज सेल्फ लव. यानी आप अकेले में क्या कर रहे हो, क्या वो कर रहे हो जो करना सही है, या वो कर रहे हो जो आपका मन कर रहा है?
अगर मन के हिसाब से चल रहे हो तो आप बोल तो रहे हो कि मुझे खुद से प्यार है, लेकिन आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, खुद के फ्यूचर को खराब कर रहे हो, खुद की बॉडी को खराब कर रहे हो, खुद के माइंड को खराब कर रहे हो, खुद की लाइफ को खराब कर रहे हो। तो लग तो रहा है कि दैट पर्सन इज इन लव विद हिमसेल्फ, क्योंकि अपनी मर्जी से कर रहा है, एक के बाद एक सिगरेट पीता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है और उसको मजा भी आ रहा है, बट ही इज नॉट इन लव विद हिमसेल्फ, ही इज इन लव विद द प्लेजर। तो वो बॉडी को यूज कर रहा है उन प्लेजर्स को अचीव करने के लिए, तो इज इन लव विद द प्लेजर्स, चाहे वो प्लेजर्स उसकी बॉडी को खराब कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ लव। जिन लोगों ने भी कुछ भी ढंग का किया है अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी लेवल में, उनके अंदर आप ये क्वालिटी देखोगे। क्या है ये क्वालिटी? सेल्फ डिसिप्लिन। सो दिस डिसिप्लिन इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इसको सुनते ही इससे दूर मत भागो, बल्कि फॉल इन लव विद डिसिप्लिन। माइक देना इनको। सर अगर हम ज्यादा ही सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं तो दुनिया में पागल समझती है। बट ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब क्या और कम का मतलब क्या? कि सर जैसे मुझे पता है कि मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ। अब दोस्त कहे चलो आज घूमने चलते हैं। हाँ। मैं तो आज भी पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा 8 घंटे। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, यानी मान लो थियोरेटिकली तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि 8 घंटे के, आप ये भी बोल सकते हो मेरे को दिन में 26 घंटे पढ़ना है। yes, बोलने में कौन सा टैक्स लगता है? बट एक्चुअल में जब पढ़ने में आते हो तो पता लगता है कि 8 मिनट में ही काम हो गया है। 8 घंटे छोड़ दो। तो अभी आपने क्या कहा, देखो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। क्वांटिटी ऑफ योर स्टडी टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ योर स्टडी टाइम इज इम्पॉर्टेंट। तो मान लो आपने 2-3 घंटे आपकी जो एक्चुअल में कैपेसिटी है, सबको पता होता है मेरी एक्चुअल में औकात क्या है। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो कि इतने घंटे उतने घंटे ये वो ये, कुछ भी कहानियां हो जाती हैं, बट एक्चुअल में आपको समझ आया कि 2-3 घंटे मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसके बाद मुझे रेस्ट चाहिए होता है 1 घंटे का। तो अब अगर आप 1 घंटे का रेस्ट दे रहे हो और अपने दोस्तों के साथ में घूमने जा रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, तो वो किस लिए कर रहे हो? ताकि आप वापस से री एनर्जाइज हो सको पढ़ने के लिए। जैसे आप में से कितने जिम जाते हैं, जिम जाते हो? तो जब जिम जाते हो तो बीच में रेस्ट जरूरी होता है, नहीं होता है? दो एक्सरसाइजेस के बीच में क्यों होता है वो रेस्ट जरूरी? एक्सरसाइज करने के लिए। तो दैट रेस्ट इज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एक्सरसाइज। देखने में अलग अलग लग रहा है, यानी कुछ ना करना कुछ करने का ही पार्ट हो गया, क्योंकि कुछ करने के लिए वो कुछ ना करना भी जरूरी है। अगर आप नॉन स्टॉप करते रहोगे तो वो उल्टा आपके लिए हार्मफुल है। ऐसे ही अगर आप नॉन स्टॉप पढ़ते रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा है आपने 2-3 घंटा पढ़ाई करी, 1-2 घंटे का गैप दिया, फिर वापस से 2-3 घंटा पढ़ाई करी। तो सर अगर मैं मान लो 2-3 घंटे जो मतलब बाहर घूम रहा हूँ, वो भी तो सर सेल्फ डिसिप्लिन के खिलाफ हुआ ना? क्यों हुआ वो सेल्फ डिसिप्लिन? देखो यही तो चीजें हैं जो हमको समझनी है, ध्यान से समझो। ये आप लोगों को कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितनों के ऊपर से जा रहा है? अकेला क्यों छोड़ दिया इनको? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, इसको सिंपल करता हूं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या? वो करना जो करना सही है। तो क्या करना सही है? कि नॉन स्टॉप 8 घंटे तक पढ़ना और पढ़ते पढ़ते वहीं गिर जाना, मुंह पूरा बुक्स पे पड़ा हुआ है, ऐसे लेटे पड़े मुंह से झाग निकल रहे हैं, वो क्या सही है? क्वालिटी ऑफ स्टडी टाइम इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी ऑफ स्टडी टाइम इंपॉर्टेंट? क्वालिटी। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गैप जरूरी है, रेस्ट जरूरी है, रिलैक्सेशन जरूरी है। अब घर में अगर आप मान लो बुक्स को बंद करके बस बैठे रहोगे 1 घंटे तक, मान लो मोबाइल पे लगे रहोगे, तो क्या होगा? उस 1-2 घंटे बाद आप और टायर्ड हो जाओगे, फिजिकली भी मेंटली भी आप और टायर्ड हो जाओगे, तो पढ़ने लायक सिचुएशन में रहोगे नहीं। दूसरी तरफ से अगर आप घर से बाहर निकल जाओगे, एक तो आप खुली हवा में निकले, दैट इज बेटर देन मोबाइल। यस सर। और दोस्तों के साथ में इधर उधर की बातें करी, हंसी मजाक किया, ये किया, वो किया, फ्रेश होकर के आ गए, मेंटली फिजिकली फ्रेश होकर के आ गए और वापस से पढ़ रहे हो, तो क्या ये जो बीच में 1-2 घंटे का गैप आया, ये आपकी पढ़ाई को बेटर बना रहा है या उसको खराब कर रहा है? सर, वो बेटर है। बेटर बना रहा है। तो ये जरूरी है या नहीं है? अब आपको क्लियर हुआ भाई? यस सर। पक्का? यस सर। शुक्र है, चलो बैठ जाओ, लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हिम। तो अगर आप मजे कर रहे हो, इसको मैं समाप्त कर देता हूं जो भी मैंने इनको कहा है, अगर आप मजे कर रहे हो ताकि आप वो कर सको जो करना सही है, तो ये मजा भी सही है। लेकिन अगर आप मजे कर रहे हो सिर्फ मजे करने के लिए, तो ये मजा गलत है। देखो इनको माइक दो।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कोई इंसान है वो बार बार फेल हो रहा है अपने वर्क में, मतलब वो डिसिप्लिन से चल रहा है स्टार्टिंग से, मतलब बहुत स्टार्टिंग से डिसिप्लिन में है और बार बार फेल हो रहा है अपनी गलतियों की वजह से या कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की वजह से, तो उस सिचुएशन में डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करें और अपने जो सेल्फ लव था उसको दोबारा से कैसे जनरेट करें, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। फेल तो हो गई, हाँ जी, जो कुछ करेगा वही तो फेल होगा ना जी। जो कुछ करेगा ही नहीं वो कभी फेल हो सकता है? नहीं। जिसने कभी मान लो बिजनेस करने का ट्राई नहीं किया वो कभी आकर के बोल सकता है मैं बिजनेस में फेल हो गया? भाई तूने किया ही नहीं, हाँ। तू कहां से फेल हो गया, है ना? तो अब ये जो आप बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश कर रहे हो, क्या ये डिसिप्लिन है या नहीं है? है। फॉर एग्जाम्पल हमको किसी को चॉकलेट खाने की लत पड़ी हुई है, तो वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या आया कि चॉकलेट हमारे लिए ठीक नहीं है, तो अब इसको जो छोड़ने की कोशिश है, चॉकलेट छोड़ने की कोशिश है, उसमें आप बार बार फेल होगे क्योंकि पता नहीं कितने सालों से आपको लत लगी हुई है। लेकिन अगर हम कोशिश करते चले जा रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स वी आर इन लव विद आवरसेल्फ, दैट मीन्स आई एम इन लव विद माई सेल्फ, तभी तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई माँ है, उसका जो बच्चा है वो बार बार आग की तरफ जा रहा है, तो माँ क्या कहेगी कि मैंने बड़ी कोशिश करी उसको रोकने की, रुकता तो है नहीं, अरे मर दे दो उसको, जाने दो, जलने दो, फूकने दो उसको, फूकेगा अपने आप अकल आ जाएगी, ऐसे करेगी माँ? कोशिश करती रहेगी ना। अच्छा, एक तरह से कोशिश करी और वो नहीं रोक पाई उस बच्चे को, अब वो क्या करेगी? अगली बार किसी अलग तरीके से कोशिश करेगी, फिर किसी अलग तरीके से कोशिश करेगी, जरूरत पड़ी तो बच्चे को मारेगी पीटेगी, बट वो भी उसके बच्चे के भले के लिए, क्योंकि उसको उस बच्चे से प्यार है। आपको ही बुझा देगी, व्हाई नॉट? तो इसी तरह से हम अलग अलग तरीके से ट्राई करते ही रहेंगे, जैसे एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट जो एक्चुअल में साइंटिस्ट होता है वो कभी हार नहीं मानता है कि मैंने ये ट्राई किया इस एक्सपेरिमेंट को करने का, थ्योरेटिकली मैंने कुछ डिस्कवर किया, प्रैक्टिकली उसको लैब में किया तो मैं फेल हो गया, मतलब थ्योरेटिकली तो ये समझ आ रहा है पर प्रैक्टिकली मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे करना ही नहीं, ऐसे होते हैं साइंटिस्ट? या वो क्या करते हैं? बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तब तक जब तक कि सक्सेस ना मिल जाए। इसी को तो सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। और ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये आता है सेल्फ लव से, क्योंकि मुझे खुद से प्यार है तो आई कांट गिव अप। अगर एक्चुअल में मुझे खुद से प्यार है तो, अगर खुद से प्यार नहीं है प्लेजर से प्यार है तो आई गिव अप। हाँ, उनको दे दो माइक। सर, सेल्फ लव भी हमारा जब तक रहता है जब तक हम, जैसे कि मेरे साथ क्या होता है, मैं किसी को भी अपने से बढ़िया देखता हूँ मेंटली लेवल पर, एजुकेशन में या पढ़ाई में, तो मेरा खुद से सेल्फ लव बहुत कम हो जाता है, तो मैं वही चीज़ सोचने लग जाता हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं ऐसा हो जाऊँ या मैं अपने अंदर ही अच्छा हो जाऊँ, वो सोचते सोचते टाइम निकल जाता है और कुछ हो ही नहीं पाता सर। नहीं, आप हंस तो रहे हो बट ये आई एम श्योर सभी की प्रॉब्लम होगी, है ऐसा कोई नहीं है जिसकी नहीं होगी, मतलब अपने से आगे किसी को देखते हैं तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है हमारे, जेलेसी भी होती है और खुद के ऊपर डाउट होता है, सर, वहाँ पे सेल्फ डाउट सेल्फ लव कम हो जाता है। सेल्फ लव तो होता ही नहीं ना वहाँ पर, तो सेल्फ डाउट होता है, खुद के ऊपर डाउट होने लग जाता है। yes, जहां पर डाउट है वहां पर प्यार कैसे हो सकता है? हमें उससे जेलेसी होती है, हमें खुद के ऊपर डाउट होता है, लेकिन क्या ये दोनों ही चीजें, यानी उससे जेलस होना या खुद के ऊपर डाउट होना, क्या ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही है या गलत है? गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? नंबर वन, हम सीख नहीं रहे। देखना, ध्यान से समझना, जेलेसी का दूसरा मतलब यही है कि हम सीख नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं जो मुझसे इंस्पायर्ड हैं और कुछ हैं जो मुझसे बहुत जेलस है कि उसके पास में ये है, वो है, वो है, वो है, इतने अच्छे जूते हैं, व्हाटएवर, हमारे पास में देखो कुछ भी नहीं है ये, जबकि उनके पास भी बहुत कुछ है, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास में कम है, उनको ये है कि मेरे पास में इनसे कम है। तो अब इस जेलसी की वजह से क्या हो रहा है? नंबर वन, उनका ध्यान नहीं जा रहा जो उनके पास में है उसकी तरफ। नंबर टू, वो मेरे से सीख नहीं रहे। अगर वो मेरे से सीखे या समझने की कोशिश करे कि इस बंदे ने क्या सही किया है, कुछ तो किया ही है ना जिसकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि लाइफ आपको, इस एक लाइन बोलूंगा इसको याद रखना मरते दम तक, लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, भिखमंगों की तरह सबके हाथ ऐसे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मंदिर में भी ऐसी सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है हर एक की। तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो, लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो।
जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप डिजर्व करते हो. एग्जैक्टली किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही बात है. लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट. चाहने को कोई कुछ भी चाह सकता है, बट डू यू एक्चुअली डिजर्व इट? इफ यू डिजर्व इट यू विल गेट इट. अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व इट. तो पहले तो आप डिजर्व नहीं करते, ऊपर से आप जेलस हो रहे हो, तो आप वहीं पर अटक गए हो. तो ये सब करना आपके लिए सही नहीं है, ये हमें अंदर तक पता होना चाहिए. तो जो भी आपके लिए करना सही नहीं है इन द लॉन्ग टर्म, ये जानने के बाद भी अगर आप करते हो, तो व्हाट डज दैट मीन? यू आर नॉट इन लव विद योरसेल्फ. जो भी करना आपके लिए सही है इन द लॉन्ग टर्म, अगर आप वो करते चले जाते हो, दैट मीन्स यू आर इन लव विद योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.